प्यारे दोस्तों, सुबह उठकर एक करामती लफ्ज पढ़ने से हर मकसद पूरा हो जाता है, हर काम में कामयाबी हासिल होती है, तंगदस्ती खत्म हो जाती है, कारोबार से रुकावटें हट जाती हैं और कारोबार में बेशुमार बरकत होना शुरू हो जाती है। प्यारे दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन सा करामती लफ्ज है और आपको किस तरीके से पढ़ना है, कितनी मर्तबा पढ़ना है, कितने दिन तक पढ़ना है और किस दिन से शुरू करना है। प्यारे दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसा पावरफुल अमल, एक ऐसा ताकतवर अमल लेकर हाजिर हुए हैं जिसको पढ़कर आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो भी मांगेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अता फरमाएगा। आज का ये वजीफा हमारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का वजीफा है, जो बड़ा ही लाजवाब, जो बड़ा ही बाकमाल वजीफा है। इस अमल की बरकत से, इस नाम मुबारक की बरकत से, इसके वसीले से आप जो भी दुआ करेंगे वो आपकी दुआ बारगाहे परवरदिगार में जरूर कबूल होगी। आप जो भी मांगेंगे वो आपको मिलेगा, आपका हर मकसद पूरा होगा, हर काम में कामयाबी हासिल होगी, आपके बिगड़े काम बन जाएंगे, अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इसको पढ़कर आप हजरात अपनी रोजी भी कुशादा कर सकते हैं, अपने कारोबार से बंदिशें खत्म कर सकते हैं, रुकावटें खत्म कर सकते हैं, अपनी लाखों करोड़ों हाजतें अल्लाह रब्बुल इज्जत से पूरी करवा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वो नाम है जो दुनिया में भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा और हश्र में भी काम आएगा और हमेशा काम आएगा। प्यारे दोस्तों, दुनिया में जो शख्स इस नाम का वसीला लेकर दुआ करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस शख्स की हर दुआ कबूल करता है और जब इंसान कब्र में जाता है तो कब्र में भी इसके बारे में सवाल और जवाब होता है। प्यारे दोस्तों, जब इंसान कब्र में जाता है उससे सवाल पूछा जाता है मर रब्बु का, यानी कि तेरा रब कौन है, और दूसरा सवाल पूछा जाता है मा दीनु का, तेरा दीन क्या है, और तीसरा सवाल पूछा जाता है मा कुंत तकूनु फी हाज़ रुजूल, यानी कि तू इनके बारे में क्या कहता है। बंदे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर के तरीके की एक चीज दिखाई जाती है, तो जब बंदा ईमान वाला होता है वो जवाब दे देता है मैं रब अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, मैंने दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, और वो कहता है कि ये वही हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है जिनका मैं उम्मती हूँ, वो फक्र से जवाब देता है। तो ऊपर से आवाज आती है, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि बेशक मेरे बंदे ने सच कहा है, ऐ फरिश्तो इसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दो और इससे आजाब को दूर कर दो। तो प्यारे दोस्तों, फरिश्ते उस बंदे से कहते हैं कि ऐ अल्लाह के नेक बंदे सो जा, और उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, जन्नत के दरवाजे उसकी कब्र में खोल दिए जाते हैं जिससे कि खुशबूदार हवा उसको बेहतरीन सुकून हासिल होता है और हर तरीके की आराम मयसर होती है। और जब हशर में हशर कायम होगा, जब हशर में बंदे परेशान हाल में होंगे, नफसी नफसी का आलम होगा, तो उस वक्त भी जब लोग मदद के लिए पुकारेंगे तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचेंगे और अर्ज करेंगे कि ऐ अल्लाह के नबी हमारी मदद करें, हम बहुत ज्यादा मुश्किल में हैं, कोई भी हमारी सुनने वाला नहीं है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इस हाबु इला गैरी, तुम जाओ किसी गैर के पास। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से बंदे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास और तमाम अंबिया इकराम से होते हुए जब सारे के सारे अंबिया कह देंगे इस हाबु इला गैरी, तुम जाओ किसी गैर के पास, तो हमारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के करीब पहुँचेंगे, तो हमारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुबान पर अना लाहा यानी आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद होगा। इसी तरीके से हमारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने गुनाहगार उम्मतियों की बख्शिश अल्लाह रब्बुल इज्जत से करवा रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम का ही ये वजीफा है, जो दुनिया में भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा और हश्र में भी काम आएगा। तो प्यारे दोस्तों, हम चलते हैं अपने वजीफे की तरफ, आपको बताते हैं कि अमल आपको किस तरीके से करना है। प्यारे दोस्तों, ये अमल आपको सुबह के वक्त करना है, फजर की नमाज से पहले भी कर सकते हैं, फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं। अगर नमाज का वक्त हो तो पहले आप नमाज पढ़ें, उसके बाद में ये वजीफा करें। अगर नमाज के वक्त से आप पहले ही जाग जाते हैं तो आप पहले भी अमल कर सकते हैं। तरीका ये है कि आपको बावजू होकर तन्हाई में बैठ जाना है, और तन्हाई में बैठने के बाद सबसे पहले आपको सात मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है।
दरूद शरीफ आपको जो भी याद हो वो पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप दरूद इब्राहिमी पढ़ें जो नमाज में पढ़ी जाती है। 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद आपको 100 मरतबा अस्तगफार पढ़ लेना है। इस तरीके से पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे दोस्तों, इसी तरीके से आपको 100 मरतबा अस्तगफार पढ़ लेना है और 100 मरतबा पढ़ने के बाद आपको एक तस्बीह यानी कि 100 मरतबा ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह यानी कि 100 मरतबा कलमाए तैयबा पढ़ना है। इसी तरीके से आप 100 मरतबा पढ़ लें। पढ़ लेने के बाद आपको 100 मरतबा ये नाम पढ़ना है, या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद। प्यारे दोस्तों, ये हमारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम है। ये नाम भी आपको पूरे 100 मरतबा पढ़ना है और 100 मरतबा पढ़ लेने के बाद आपको आखिर में फिर 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना है जो दरूद पाक आपने शुरू में पढ़ा था। प्यारे दोस्तों, ये अमल पढ़ने के बाद आपको हाथ उठाना है और बारगाह इलाही में दुआ करनी है। प्यारे दोस्तों, दुआ कुछ इस तरीके से करें कि या अल्लाह या रहमान या रहीमू या करीमू, ऐ मेरे खालिक जो मैंने कलमा तैयबा पढ़ा है, मौला जो मैंने तेरी बारगाह में तौबा की है, मौला मुझ गुनाहगार की तौबा को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, तू तो तौबा को कबूल करने वाला है, तू तो रहीमो करीम है, तू रहम करने वाला है, तू बहुत ही मेहरबान है। ऐ मौला, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। और जो मैंने कलमा तैयबा पढ़ा है और तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम का विर्द किया है, मौला तू कलमा तैयबा के सदके में अपने हबीब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके में हमारी दुआ को कबूल फरमा ले। मौला, हमारी दुआ यह है कि हमारे कारोबार से, हमारे रिजक से, हमारे घर से तंगदस्ती को दूर फरमा दे। मौला, तंगदस्ती को दूर फरमा कर, हमारे कारोबार से रुकावट को दूर फरमा कर, बंदिशों को दूर फरमा कर, मौला हमारे कारोबार में बेशुमार रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा दे। मौला, हम पर जो मुसीबतें आ चुकी हैं, तू अपने हबीब के सदके में उन मुसीबतों को दूर फरमा दे। मौला, जो मुश्किल हम पर आ चुकी हैं और आने वाली हैं, मौला अपने हबीब के सदके में उन मुश्किलों से मुझे महफूज फरमा दे। मौला, जो परेशानी है, तू तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। मौला, हमारे जो बिगड़े काम हैं, अपने हबीब के सदके में हमारे बिगड़े कामों को बना दे। जो अधूरे काम हैं, उन कामों को पूरा फरमा दे। प्यारे दोस्तों, इसी तरीके से आपको बारगाह इलाही में दुआ करनी है। दोस्तों, आप जो भी मांगेंगे आपको वो मिल जाएगा, आपको हर काम में कामयाबी हासिल होगी, अधूरे काम पूरे हो जाएंगे, बिगड़े काम बन जाएंगे। प्यारे दोस्तों, ये अमल आपको 11 दिन तक लगातार करना है और सुबह को ही करना है। आप चाहें तो फजर की नमाज के पहले भी कर सकते हैं, आप चाहें तो फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको सुबह ही करना है। प्यारे दोस्तों, इसी तरीके से आपको 11 दिन तक लगातार इसे करना है। इंशाल्लाह आप जो भी मांगेंगे आपको मिल जाएगा, हर मकसद पूरा हो जाएगा, हर हाजत पूरी होगी, हर मुश्किल खत्म होगी। प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही आसान वजीफा है। इस वजीफे को आप खुद भी करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।